अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिरयानी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत कम वक्त में बनती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपकी बिरयानी बिल्कुल खिली खिली बननी चाहिए। इसके लिए आपने इस रेसिपी को कम्प्लीटली फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सिंपल बहुत आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं होगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और बहुत कम मसालों के साथ बनेगी, जायके में इतनी परफेक्ट होगी कि ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 400 ग्राम्स चिकन। मैं आधा किलो की बिरयानी बना रही हूँ। इसके अंदर एक चाय का चम्मच हमने डाला है नमक, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्चें डाली हैं, एक खाने का चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और 3 टमाटर डाल दिए हैं। प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप इसका जायका ज़रा चेक कीजिएगा। इसके बाद हमने 1 से 2 खाने के चम्मच दही डाल दिया है और तकरीबन 3 खाने के चम्मच तेल था, इसके अंदर मैंने इसको डाल के अब ढक के इसको पकाने के लिए छोड़ देना है। गरम मसाला होगा, मिक्स गरम मसाला जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो सारा मसाला आपने पीस लेना है। सिर्फ बादियान के फूल आपने नहीं पीसने, 4 बादियान के फूल जाएंगे और ये मसाला तकरीबन पीस के 1 खाने के चम्मच भर के आपने वो ऐड करना है। अभी देखें कि जो हमने पकने के लिए रखा था मसाला आधा पक चुका है। अब ये गरम मसाला ये डालेंगे, इसको आप हम पकने देंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर एक्स्ट्रैक्ट निकल आए। 1 आलू भी डाल देंगे और बस आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है और इसके बाद इसको पानी 1 कप डाल के पका लेना है। अब आधा किलो चावलों को हमने भिगो के थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। इतना बॉईल किया था कि 90% हमारे चावल कुक थे और बिरयानी का कोरमा भी तैयार था और अब हमने इसको लेयर कर देना है। अच्छा, आपने बिरयानी के कोरमे में एक चीज़ जो है नमक ज़रूर चेक कर लेना है कि नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब चावल अंदर जाएंगे तो नमक चावल जो है बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है लाजमी कि बिरयानी का कोरमा थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल थिक ना हो। जो थिक कोरमा होता है उसी की वजह से हमारी जो बिरयानी है वो चिपक जाती है और चावल बिल्कुल हलवा बन जाते हैं। बस आपने ऊपर धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाल के इसको दम दे देना है। तकरीबन 10-1 मिनट में हमारी दम देने के बाद बिरयानी तैयार है। आपने इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर चेक करनी है कि कितनी लाजवाब बनी है। ट्रस्ट मी, जायके में इतनी रिच थी कि आप ये बनाएंगे और आपको ख़ुद पता चल जाएगा। आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या जो थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप 1/2 kg से 1 kg एंड आगे इस तरह से करते जाएँ तो ये रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।